हाय फ्रेंड्स। जो आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही हॉट टॉपिक्स है और मैं आज डिस्कस करेंगे एआई। एआई आज के डेट में लोगों के लिए जुनून बन चुका है। रीज़न भी है इसके पीछे। रीज़न ये है कि हर चीज़ें ऑटोमेटेड लोगों को बहुत ही इमीडिएट एक्सेसिबल है। कोई भी टूल आप ले लो एआई की, कोई डेटा डालो, आपको आर्टिकल मिल रहे हैं, आपको ब्लॉग्स मिल रहे हैं, आपको सोशल की कंटेंट मिल रहे हैं, आपको इन्फोग्राफिक्स मिल रहे हैं। तो लॉट ऑफ द थिंग्स जो अवेलेबिलिटी यहाँ पे दिख रही है वो है सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपके पास डेटा ऑटोमेटेड अब आना स्टार्ट हो चुका है। अब जब डेटा इतनी ज़्यादा ऑटोमेटेड हो गई है, ऑटोमेटेड सिस्टम यूज कर रहे हैं लोग, सो क्या ये जल नहीं लगता है कि एआई कहीं ऐसा ना हो इन द फ्यूचर कि इतने एसईओ प्रोफेशनल्स हैं उनको भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, मैं पूरी तरह से एजेंट्स नहीं करता। एजेंट्स में इसकी मुझे लगता है कि 10% पीपल्स जिनके पास लॉट्स ऑफ द मनी है, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़ी टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं, वो डेफिनेटली इस सिस्टम को यूज करके देखना पसंद करेंगे। स्मॉल इंडस्ट्री को मैं नहीं टच करता हूँ क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्री जो होती है वो बिल्कुल डिपेंडेंट ऑन द टेक्नोलॉजी कि क्या उसमें अपडेट आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, उसमें बिलीव करते हैं। बट बड़ी कंपनी जो होती है वो रिस्क लेती है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या सही में एसईओ प्रोफेशनल्स को एआई रिप्लेस कर सकती है? कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि ऐसा हो सकता है, बट वो केसेस मैं 2-3% से ज़्यादा नहीं दे सकता। राइट, क्यों? आप इस सर्वे को देखो। ए स्टडी बाई मैकिंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट सजेस्ट दैट 2030 तक की डेटा है, अप टू 20% ऑफ अ सीईओ वर्कलोड कुड बी ऑटोमेटेड। अभी आप देखो, इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा पावर होती है वो होती है सीईओ। ओके, तो आप देख लो सीईओ की वर्कलोड जो हो जाएगी वो ऑटोमेटेड हो जाएगी 20%, इंक्लूडिंग टास्क लाइक सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन। वाइल दिस इंडिकेट्स द इंक्रीजिंग रोल ऑफ एआई इन वेरियस फील्ड, इट ऑल्सो सजेस्ट अ नीड फॉर द प्रोफेशनल टू अडैप्ट एंड अप स्किल टू रिमेन रेलिवेंट इन द वर्कफोर्स। अब आप देखो, यहाँ पे जो 20% सीईओ ऑटोमेटेड हो जाएंगे, तो क्या लगता है कि हम जैसे एसईओ प्रोफेशनल, हम जैसे एड प्रोफेशनल्स जो होते हैं, क्या वो ऑटोमेटेड नहीं हो सकते? देखिए, हमें दोनों प्रॉस्पेक्ट को ध्यान में रख के अपनी वर्क को इम्प्रूव करनी है। फर्स्ट, ऑर्गेनिकली में अगर आप एक्सपर्ट हो तो डेफिनेटली आप उसी वे में अपने ऑर्गेनिक एसईओ कर सकते हैं। बट इन दैट केस अगर आपको थोड़ी सी एआई में भी कुछ अगर आपने स्पेशलाइजेशन ले ली तो वो भी आपके लिए गलत नहीं होगा। वो भी आपके लिए एक परफेक्ट सिचुएशन, एक परफेक्ट प्रॉस्पेक्ट से उभर कर वो सामने आएगी। कैसे? अभी इसकी कोई डेटा नहीं है। अभी जैसे इसने बहुत ही बड़ी चीज़ें बता दी मैकेंजी ने कि 20% वो ऑटोमेटेड हो जाएंगे एज ए सीईओ की वर्कलोड। ओके, बट फिर भी 80% की तो चांसेस है ना। अब 80% चांसेस तो वो खुद से ही करेंगे। अब बहुत ही मैंने डेटा को मॉडिफाई, अपडेट, रिसर्च करने के बाद कुछ पॉइंट्स निकाले हैं जो बहुत ही पॉजिटिव है कि एसईओ क्या कर सकता है, एसईओ एआई क्या कर सकता है। सो, इसमें हमने पॉजिटिव एंड नेगेटिव 2 पॉइंट्स बनाए हैं और बहुत ही शॉर्ट में इसे समझाने बनाई है क्योंकि आपको समझाना है और आपको इस पॉइंट को कवर करना है। फर्स्ट, इफिशियंसी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इफिशियंसी? जस्ट ए मिनट, मैं इसको मार्क कर दूँ। ओके, अब जैसे मैं इफिशियंसी की बात करता हूँ, सो एआई कैन ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क सेविंग टाइम एंड रिसोर्स। अभी जो पॉजिटिव पॉइंट एआई की आ रही है कि वो ऑटोमेटेड रिपीटेटिव टास्क सेविंग टाइम एंड इफॉर्ट वो कर सकती है, ये तो सबको पता है। डेटा एनालिसिस ये भी कर सकती है। राइट, एआई कैन प्रोसेस लार्ज डेटा सेट्स क्विकली प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इनसाइट्स। वो एक ह्यूमन नेचर कितना ज़्यादा माइंड को यूज कर सकता है। हमारा दिमाग उतनी फास्ट नहीं होता जितना कि एआई टेक्नोलॉजी की, रोबोट्स की फास्ट होती है। सो डेफिनेटली वो डेटा जो है वो लार्ज डेटा बेस क्विकली स्कैन कर सकता है। पर्सनलाइजेशन, सो व्हाट द मीनिंग ऑफ द पर्सनलाइजेशन? एआई एल्गोरिदम कैन कस्टमाइज कंटेंट बेस्ड ऑन यूजर प्रेफरेंस। सो डेफिनेटली जैसे आप उसे आप मोल्ड करोगे वो एआई टेक्नोलॉजी वैसे ही रिस्पॉन्स करेगी। प्रेडिक्टिव एनालिसिस, द प्रेडिक्टिव एनालिसिस क्या होते हैं? प्रेडिक्टिव एनालिसिस मीनिंग
AI can forecast trends and anticipate changes in the search algorithm. अब एल्गोरिदम भी तो बनेंगे तो उसी बेस पे बनेंगे, वो भी बहुत फास्ट होगी, वो भी बहुत फास्ट होगी, वो भी बहुत एक्सेसिबल होगी, वो भी जल्दी जल्दी अपडेट होंगे. सो इट विल बी प्रेडिक्टिव एनालिसिस. ऑप्टिमाइजेशन, अब ऑप्टिमाइजेशन का मीनिंग क्या है यहाँ पे? सो ऑप्टिमाइज AI टूल्स कैन इन्हांस वेबसाइट परफॉर्मेंस एंड यूजर एक्सपीरियंस. डेफिनेटली हर को रिपोर्ट्स रिजल्ट्स चाहिए. रिजल्ट्स देखिए कोई भी वे हो, अगर आप AI टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए रिजल्ट्स लाते हो या आप ऑर्गेनिक SEO को यूज़ करते हुए अपनी प्रमोशन करते हो, तो डेफिनेटली हमारा ओवरऑल जो आउटपुट है वो है कि हमें कितना रिजल्ट्स मिल रहे हैं. कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज का मीनिंग क्या हुआ? यूजिंग AI कैन गिव बिजनेस एंड एड्स इन द SEO लैंडस्केप. यानी कि आप अपने बिजनेस टेक्नोलॉजी के अंदर जो आप AI को यूज करोगे वो भी तो एक परफेक्ट आपको रिजल्ट्स देगा. स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी क्या होती है? AI सिस्टम कैन हैंडल लार्ज स्केल SEO कैंपेन मोर इफेक्टिवली. डेफिनेटली यार दिस वन इज द मशीन. आप कितना भी आप इससे, मैं कहता हूँ एक ह्यूमन कितनी जनरेट कर सकता है कंटेंट पूरे दिन में भी, अगर वो टाइम लगा के 1500 वर्ड्स भी लिखना शुरू करेगा तो वो 2 से 2.5 में ही उसके माइंड बिल्कुल ये हो जाते हैं, क्योंकि लिखना बहुत ही क्रिएटिव होता है, दिमाग से लिखना होता है. बट यही आप AI टेक्नोलॉजी को यूज करते लिखते हो तो दे कैन प्रोवाइड 1000 ऑफ द ब्लॉक्स आर्टिकल इमीडिएट यू प्रोवाइड. सो डेफिनेटली ये बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लोग यही देखते हैं कि कितने कम टाइम में कितना ज़्यादा आउटपुट और रिजल्ट आ सकते हैं. इन्हांस्ड यूजर एक्सपीरियंस, डेफिनेटली ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होती है. तो AI पावर्ड ऑप्टिमाइजेशन कैन इम्प्रूव वेबसाइट विजिबिलिटी. ये आपको बता देगा कोई भी टूल्स आप यूज करते हुए कि क्या इशूज है आपकी वेबसाइट में. एडेप्टिबिलिटी, अब AI एल्गोरिदम जो है कैन अडॉप्ट टू चेंज दी द सर्च इंजन एल्गोरिदम्स. डेफिनेटली जब आप AI सिस्टम पे वर्क करोगे तो डेफिनेटली उसी के अकॉर्डिंग आपकी एल्गोरिदम भी अपडेट होंगे. इनोवेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द इनोवेशन, और ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि विदाउट इनोवेशन यू कैन डू एनीथिंग. AI एडवांसमेंट में लेट द लीड टू द न्यू टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजी. डेफिनेटली जब टेक्नोलॉजी इस तरीके से आएंगे, जब एल्गोरिदमिक चेंज होंगे AI टेक्नोलॉजी से, तो डेफिनेटली वो इनोवेशन ही कहलाएंगे. अब निगेटिव पॉइंट्स इसके लिए क्या क्या हो जाते हैं वो आप समझ लो. अब इसी निगेटिव पॉइंट्स पे ये जो आज की जो हमारी टॉपिक है SEO प्रोफेशनल्स की, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. लैक ऑफ ह्यूमन जजमेंट, क्या वो फीलिंग आ सकती है जो एक फीलिंग, अब समझ लो जो एक फीलिंग आपको मिलती है एक ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट से. AI में नॉट अंडरस्टैंड नॉनसेंस एंड द कॉन्टेक्स्ट एज वेल एज द ह्यूमन. वो नहीं समझ सकता हमारे वो फीलिंग को, अभी तक नहीं समझ सकता कि मेरी क्या फीलिंग है. तो डेफिनेटली वहाँ पे इसकी लैकिंग है. इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अब ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इम्प्लीमेंटिंग AI टेक्नोलॉजी कैन बी कॉस्टली फॉर द बिजनेस. डेफिनेटली मैंने क्या बोला, लार्ज मॉडल ऑफ द कंपनीज दे कैन यूज द AI टेक्नोलॉजी, वी कांट यूज बिकॉज वी आर अ वेरी लो लेवल बिजनेस ऑनर और द स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्रीज को हम प्रेफर करते हैं. सो हमारा मेन टारगेट होता है कि बहुत ही चीज़ों को सेव करते हुए टेक्नोलॉजी को ऐसे बनाए कि हमारा उससे आउटपुट अच्छे आए. डिपेंडेंसी, ओवर रिलायंस एंड AI ऑन AI टूल्स में लिमिट क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. डेफिनेटली डिपेंडेंसी हम उस पर इतना नहीं कर सकते. डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स, AI रिक्वायर्स एक्सेस टू द लार्ज डेटा सेट्स रेजिंग प्राइवेसी इशूज. डेफिनेटली देखिए एक बड़ा सिंपल सी बात, ये क्यों ऐसा कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि अगर आपने अपने SEO को करते हो किसी भी वेबसाइट की और एक दिन के अंदर 90 ब्लॉग पब्लिश करते हो, व्हाट इज दिस? गूगल के एल्गोरिदम को ऑटोमेटिकली आइडिया ले रहा है कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. सो डेटा प्राइवेसी का बात करने का मतलब ये यहाँ पर ये है कि डेफिनेटली अगर आप इस तरीके से वर्क करोगे तो डेफिनेटली आपकी प्राइवेसी इशूज, आपकी इशूज आ सकते हैं, आपके रैंकिंग भी डाउन हो सकते हैं, राइट? पोटेंशियल बायस, AI एल्गोरिदम में रिफ्लेक्ट बायसेस प्रेजेंट इन द ट्रेनिंग डेटा. ये तो है ही, क्योंकि जब तक उसे आप तरीके से ट्रेन नहीं करोगे वो दे विल बी नॉट रिस्पॉन्स. ओके, कॉम्प्लेक्सिटी भी बनेगी. कॉम्प्लेक्सिटी किस सेंस में बनेगी कि अगर आपने अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग AI सिस्टम रिक्वायर स्पेशलाइज्ड स्किल्स, उसके पास
उतनी स्किल्स नहीं होगी कि जैसे एक ह्यूमन नेचर है, एक नया आर्टिकल पढ़ता है, एक नया थॉट्स उसमें आता है तो वो लिख सकता है उस करंट सिचुएशंस के बारे में। मशीन क्या है, मशीन को आप जब तक अपडेट करोगे तो उसी अकॉर्डिंग उसी समय का डेटा देगा, ये नहीं कि ये आपको बिल्कुल आज की ये डेटा दे रहा है, नहीं, दिस वन इज द रॉन्ग। लिमिटेड कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, अब ये क्या सिस्टम है, AI में स्ट्रगल टू ग्रैस्प द इंटेंट बिहाइंड सर्च क्वेरी, डेफिनेटली ये इश्यूज है बहुत बड़ी कि वो समझ ही नहीं सकता वो हमारे इंटेंट को कि व्हाट वी आर फोकसिंग करेंटली। एल्गोरिथम अपडेट्स, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी आती है कि एल्गोरिथम अपडेट्स, AI सिस्टम में रिक्वायर फ्रिक्वेंट अपडेट टू अलाइन विद द सर्च इंजन चेंजेस, जो बहुत ही इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकते इतनी जल्दी। टेक्निकल इशूज, AI टूल्स में इनकाउंटर राइट बग्स और एरर्स इम्पैक्टिंग परफॉर्मेंस, देखिए ये तो बग्स एंड एरर्स देगा बट उसे सही कौन करेगा, दे कांट डू, वो कर सकते हैं एक ह्यूमन नेचर, वही कर सकता है कंटेंट को, वही कर सकता है टेक्निकल इश्यूज को कवर जो एक ह्यूमन नेचर सोच सकता है। जॉब डिस्प्लेसमेंट जिसकी हम बात कर रहे थे, वाइल AI में ऑगमेंट टास्क इट कुड पोटेंशियली लीड टू जॉब लूजेज इन सर्टेन एरियाज ऑफ द ACO, हो सकता है, मैंने क्या बोला 2% हो सकते हैं ऐसा कंडीशन बढ़ सकते हैं, बट 98% की पावर ज़्यादा यहाँ पे है तो डेफिनेटली ये पॉसिबल नहीं है। वाइल AI ऑफर सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स ऑफ द SEO, ह्यूमन एक्सपर्टीज रिमेंस क्रूशियल फॉर द स्ट्रैटेजी, डेवलपमेंट, क्रिएटिविटी एंड अंडरस्टैंडिंग यूजर इंटेंट, देखिए जो हम समझ सकते हैं वो मशीन नहीं समझ सकता, राइट। सो दीज आर द पॉइंट जो मैंने आपको ड्रॉबैक्स और जो मैंने यहाँ पे आपको पॉजिटिव पॉइंट्स बताए हैं, तो आप ये मान के चलिए फाइनल आउटकम्स क्या निकल के आते हैं कि ये हमें रिप्लेस नहीं कर सकते, हो सकता हो इन द फ्यूचर आफ्टर 10 years 20 years जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप है और उसमें भी एक सेंस आ जाए एक ह्यूमन जैसा, वो भी सोच सकता है, हो सकता है, हम एजम्स कर सकते हैं, एजम्पशंस में ये चीज़ें आती है, तो अगर ये चीज़ें होती है तब उस कंडीशन में हम कह सकते हैं दे विल बी रिप्लेस अस, लेकिन राइट टाइम आफ्टर 10 years अभी आप मान के चलो और 15 years ह्यूमन नेचर को वो कभी रिप्लेस अब नहीं कर सकता, सो यू आर सेफ एंड सिक्योर। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए गुड डे।